आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान रजवानी। लोकसभा के पहले चरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस चरण में एनडीए के साथ साथ इंडिया अलायंस की भी अग्नि परीक्षा है। इस बार का समीकरण क्या है और बदले हुए समीकरण में किसकी स्थिति कितनी मजबूत है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 19 अप्रैल को होगा, जब जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। इस चरण में मतदाता चुनाव मैदान में उतरे 1625 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 2019 में पहले चरण में कुल 91 सीटों के लिए मतदान कराए गए थे, इनमें से 31 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। वहीं कांग्रेस के महज 9 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे थे। इसके अलावा 51 सीटों पर अन्य दलों ने कब्जा जमाया था। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 1 पुडुचेरी, 1 मिजोरम, मेघालय 2, मध्य प्रदेश 6, मणिपुर 2, महाराष्ट्र 5, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 5, बिहार 4, छत्तीसगढ़ 1, जम्मू कश्मीर 1, लक्षद्वीप 1, राजस्थान 12, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, त्रिपुरा 1, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 8, पश्चिम बंगाल 3, नागालैंड 1, अंडमान निकोबार 1। वहीं पहले चरण के चुनाव में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे, जिसमें बीजेपी, रालोद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने मजबूत उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। वहीं बसपा के कई जगह मजबूत कैंडिडेट उतारे जाने से कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। जहां बीजेपी के साथ रालोद गठबंधन का हिस्सा है, तो वही समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। वही बसपा अकेले ही चुनावी मैदान में उतरी है। पहले चरण का रण सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। बीजेपी इस बार सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर उतरी है और पार्टी के सामने जाटलैंड की कठिन जमीन पर कमल खिलाने की चुनौती है। इन सीटों पर 2019 के चुनाव में विपक्षी पार्टियां भारी पड़ी थी, लेकिन इस बार बदले हालात में एनडीए और विपक्षी इंडिया दोनों गठबंधनों के समीकरण का भी टेस्ट होना है। जाटलैंड की मुजफ्फरनगर, नगीना जैसी सीटों पर बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का टेस्ट होगा। बीजेपी को आरएलडी से गठबंधन के बाद इस बेल्ट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, तो वहीं सपा को पीडीए के समर्थन में साइकिल दौड़ाने की आस। रामपुर, कैराना, बिजनौर जैसी सीटों पर पीडीए वाले समीकरण की परीक्षा होगी। ये सभी 8 सीटें ऐसी हैं जहां जाट के साथ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मतदाता चुनाव नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पश्चिमी यूपी में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया अलायंस के तहत चुनावी मैदान में उतरी है। बहुजन समाज पार्टी एकला चलो की राह पर है और वह किसी से गठबंधन नहीं की है। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले यहां पे इस बार समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है। ऐसे में देखने लायक बात रहेगी कि बदले हुए समीकरण से नतीजा कितना बदल पाता है। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी को यूपी में 2014 के मुकाबले 9 सीटों का नुकसान हुआ था और इनमें से भी अधिकतर सीट पश्चिम यूपी की थी। पहले चरण की 8 सीटों की ही बात करें तो 2019 में बीजेपी इनमें से केवल 3 ही सीटें जीत सकी थी, पीलीभीत, कैराना और मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर सीट पर कड़े मुकाबले में बाजी बीजेपी के हाथ लगी थी और जीत का अंतर महज 6526 वोट का था। पीलीभीत से वरुण गांधी जरूर 2,66,000 वोट के अंतर से बड़ी जीत हासिल करने में सफल रहे थे, लेकिन कैराना में भी जीत का अंतर 1,00,000 से नीचे ही रहा था। रामपुर सीट भी अभी बीजेपी के पास है, लेकिन इस सीट पर पार्टी को उपचुनाव में जीत मिली थी। मायावती, सहारनपुर के नेतृत्व वाली बसपा को 3 सीटों, बिजनौर और नगीना सीट पर जीत मिली थी, जबकि सपा ने मुरादाबाद और रामपुर सीट जीती थी। बसपा की 5 में से 2 सीटों पर जीत का अंतर 1,00,000 के पार रहा था। पश्चिमी यूपी में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार जो यहां चुनाव हो रहा है वो पूरी तरीके से अलग है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया अलायंस का गठबंधन नजर आ रहा है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार यहां समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है, तो ऐसे में देखने लायक बात रहेगी कि नतीजे भी कितना यहां पे बदल पाते हैं। पिछले चुनाव से इस चुनाव तक गठबंधनों की तस्वीर बदल चुकी है।
2019 में सपा और बसपा के साथ जाट वोट बेस वाली जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी विपक्षी गठबंधन में शामिल थी। इस बार सपा का कांग्रेस से गठबंधन है, लेकिन जयंत की पार्टी बीजेपी के साथ है। बसपा किसी दल से गठबंधन किए बगैर अकेले चुनावी मैदान में। आउटपुट डेस्क प्राइम टीवी। तो पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर कल जब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी तो साफ तौर पर कहा जा रहा है प्रत्याशियों को देखकर कि 8ों ही सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वहीं नगीना अब ऐसी हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है जिस पर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि नगीना से चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। ओम कुमार बीजेपी से हैं, मनोज राजवंशी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, सुरेंद्र पाल बसपा की तरफ से हैं, तो वही नगीना से चंद्रशेखर आजाद भी चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। तो चुनावी मैदान में हुंकार भरने के साथ ही हर एक पार्टी के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब कल तय हो जाएगा। कल जब जनता अपने घरों से बाहर मताधिकार का इस्तेमाल करने निकलेगी तो इस दौरान तकरीबन 1600 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी किस्मत कलीवियम में कैद हो जाएगी। बीजेपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी बसपा के साथ ही कल निर्दलीय प्रत्याशियों की भी किस्मत कैद हो जाएगी और 8 चरणों में कल जनता मत का इस्तेमाल करने वाली है। वह यूपी की तो 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन अगर हम पूरे लोकसभा चुनाव की बात करें तो 21 राज्यों के 102 सीटें ऐसी हैं जहां कल प्रत्याशियों की किस्मत तय हो जाएगी और इस चरण में कुल मिलाकर 1600 प्रत्याशी ऐसे हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं और पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से तैयारियों के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी सख्त हिदायत और एडवाइजरी जारी की थी, जिसके मद्देनजर सभी जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। तो जोगेंद्र कल्याण सहारनपुर से इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए जोगेंद्र, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जैसे जैसे समय बीत रहा है प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला और ज्यादा करीब होता जा रहा है, क्योंकि कल जब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी तो हर एक पार्टी के प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले कैसी तस्वीरें और क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से सहारनपुर में किए जा रहे हैं जोगेंद्र? सहारनपुर की एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है जहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी नेताओं की नजर रहती है। यहीं से सहारनपुर से राजनीति शुरू होती है और पहले चरण में सहारनपुर से कल 19 अप्रैल को मतदान होगा, जहां पर पुलिस प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर ली है। पोलिंग पार्टियों के साथ मीटिंग कर उन्हें पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। कुछ पोलिंग पार्टियां रह गई, वो आज शाम तक सारी पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य स्थल के पर पहुंच जाएगी। बिल्कुल, देखिए अगर हम 2019 के आंकड़ों की बात करें तो 2019 में यहाँ से बसपा को जीत हासिल हुई थी और एक बड़े मार्जिन के साथ बसपा ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन अब बसपा की तरफ से प्रत्याशी बदल दिया गया है, समीकरण बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आए। बीते दिनों जब प्रचार का आखिरी दिन था तो प्रियंका गांधी वाड्रा खुद इमरान मसूद के पक्ष में एक विशाल रोड शो करती हुई नजर आई, तो क्या इन सभी का असर कल देखने को मिलेगा क्या? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। पिछली बार जो बसपा के फजलुर रहमान है वो 22,000 के वोट से बीजेपी को मात देकर जीत हासिल की थी, पर इस बार जो बसपा ने प्रत्याशी उतारा है वो पब्लिक के बीच में नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। कहीं ना कहीं इस बार जो सीधी टक्कर देखी जा रही है, इमरान मसूद जो गठबंधन के कांग्रेस और सपा के प्रत्याशी है और जो राघव लखन पाल से एनडीए के प्रत्याशी है, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। और ये तो कल जो कुछ वोट साइलेंट वोट है वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। कल जो मतदान होगा उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा कौन इस कांटे की टक्कर में किसके जीत हाथ लगती है। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव सहारनपुर में देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले एक माह में लगातार प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उपमुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ताबड़तोड़ सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। पर कल की बात करें तो कल यहाँ पर प्रियंका गांधी ने एक बड़ा रोड शो किया था, उसका भी समीकरण देखा जा रहा है। शायद ही इमरान मसूद के पक्ष में एक बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा था और अब ये तो मतदान कल होगा और 4 जून के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा सहारनपुर में जो लोक सांसद जो बनता है वो किसके सिर पर बनता है। बिल्कुल, देखिए जोगेंद्र, अगर हम सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर
अक्सर समीकरण भी बताते हैं कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, तो यहाँ पर इंडिया अलायंस ने संयुक्त रूप से एक मुस्लिम कार्ड तो खेल दिया है, क्योंकि इमरान मसूद के रूप में कांग्रेस का चुनावी प्रत्याशी दमदारी से चुनावी मैदान में उतर रहा है, लेकिन जो बीजेपी है उसने एक बार फिर से राघव लखनपाल को उतारा है, तो इस बार कांटे की टक्कर जो देखने को मिलेगी वो तो लाजमी है कि दिखेगी, लेकिन जो जनता है वो किसकी तरफ ज्यादा झुकती हुई नजर आ रही है? देखिए हम बता दें आपको, सहारनपुर में इस बार दोबारा बीजेपी ने राघव लखनपाल को दोबारा एक बार उम्मीदवार बनाकर उतारा है, और राघव लखनपाल पब्लिक के बीच में कुछ समय से नहीं थे, लेकिन दोबारा जब उनसे चर्चाएं चली तो दोबारा पब्लिक के बीच में पहुंचने का काम किया। इमरान मसूद एक गदावर नेता है, इमरान मसूद लगातार पब्लिक के बीच में रहते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की समस्या का भी समाधान करवाते हैं, तो ऐसे में लगता है कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी राघव लखनपाल जो प्रत्याशी है और इमरान मसूद दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कहीं ना जो राजपूत समाज का जो समाज है वो इस बार बीजेपी से नाराज है, क्योंकि उनके प्रत्याशी को ना तो उनका कहना है कि उन्हें ना तो उन्हें सम्मान दिया है, ना ही उनके किसी भी नेता को लोकसभा का टिकट दिया गया है, उनका भी रुझान जो है इमरान मसूद की तरफ या किसी अन्य पार्टी की तरफ है। उनका सीधा उन्होंने बयान दिया है कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जो बीजेपी को हराने का काम करेगा। कहीं ना कहीं इस बार सहारनपुर में बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल को कहीं ना कहीं एक बड़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, देखिए जोगेंद्र, ये तो रही समीकरण की बात की जनता का रुझान किस तरफ है, लेकिन अब कल जब मताधिकार का जनता अपने इस्तेमाल करेगी तो उसको लेके क्या तैयारियां की गई है, जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से क्या बयान दिए गए हैं? देखिए सहारनपुर में पूरी तरह जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी उनकी अध्यक्षता में सब चीजें देखी जा रही है, पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जाए, पुलिस प्रशासन लगाया गया है, 13,000 पुलिसकर्मी सहारनपुर जनपद में लगाए जाएंगे, जो 22 जोन है सहारनपुर में, 216 सेक्टर में पूरे 22 जोन को बांटा गया है, सभी जगह पुलिस प्रशासन लगाया है, एक एक बूथ पर महिला जो वहां की महिला जो मतदान होती है वो वहाँ जो गांव की जो कस्बे की होती है उन्हें बिठाया जाएगा, ताकि जो फर्जी मतदान है वो भी किसी तरह का ना किया जाए। ठीक है, देखिए अब तो पोलिंग अधिकारियों के निकलने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, कब तक पोलिंग अधिकारियों के पहुंचने की खबर मिल रही है, इसको लेके क्या अपडेट है जोगेंद्र? देखिए सहारनपुर से अभी फिलहाल जो टाइम हुआ है सुबह से ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी थी, कुछ पोलिंग पार्टियां रह गई है, लगातार पोलिंग पार्टियां अपने अपने गणतंत्र की ओर रवाना हो रही है, जनपद में पूरी तरह पर्याप्त पुलिस बल को लगाया गया है, लगातार चेकिंग अभियान भी चला जा रहा है, और पोलिंग पार्टियां आज अपने जो जहां पर मतदान होगा वहां पर अपना अपना कार्यभार संभाल लेगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जोगेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जाटलैंड की फाइट दिलचस्प हो चुकी है, समीकरण दिलचस्प है, 2019 के बाद से गठबंधनों में बदलाव हुआ है, समीकरण बेहद बदल चुके हैं, अब इस बदले हुए समीकरण को जनता कैसे देख रही है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि 2019 में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में खास नुकसान हुआ था, तो लाजमी है बीजेपी पश्चिमी यूपी में 2019 के नतीजों को दोहराना नहीं चाहेगी, और यही वजह है कि जब अब बीजेपी के साथ रालोद आ गया है तो प्रदर्शन अच्छा करने की उम्मीद भी बीजेपी लगातार लगा रही है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जाटों का प्रभाव देखने को मिलेगा, तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर अखिलेश यादव के पीडीए की भी अग्नि परीक्षा होगी, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस रामपुर में, क्योंकि रामपुर में जिस तरीके से फिलहाल आजम खान ने चुप्पी साध रखी है और समाजवादी पार्टी ने मोहिबुल्ला नदवी को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसको लेकर रामपुर के जो एक मुस्लिम वर्ग है, बड़ा वर्ग है, वो नाखुश है, तो वहीं बसपा ने भी यहां से मुस्लिम कार्ड खेला है जीशान खान के रूप में। अब ऐसे में लाजमी है कि अगर मुस्लिमों का एक तबका एक पार्टी के प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं है तो मुस्लिम का वोट भी जो है वो बटेगा, ऐसे में अगर वाकई रामपुर में मुस्लिम वोटर्स बटते हुए नजर आते हैं दोनों पार्टियों के बीच में, तो इसका कहीं ना कहीं फायदा घनश्याम लोधी को मिल सकता है, जो कि बीजेपी के मजबूत प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है। 2019 में रामपुर की जो सीट है वो भी बीजेपी के हाथ से निकल गई थी, आजम खान एक बड़े मार्जिन से, 1,00,000 से ज्यादा मार्जिन था जीत का, लेकिन जब उपचुनाव हुए उसके बाद ये सीट फिर से बीजेपी के पास आ गए, और अब बीजेपी इस चुनाव में जीत दर्ज कराना चाहती है, और यही वजह है कि बीजेपी ने घनश्याम लोधी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो 8 सीटों में से महज 3 सीटें ऐसी थी जिस पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो अब बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती है। अब मुजफ्फरनगर से भी अमित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, देखिए अमित, त्रिकोणीय मुकाबला यहां भी है, जहां मुजफ्फरनगर में क्या लगता है कि संजीव बालियान जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे?
बिल्कुल देखिए, साफ तौर से यहाँ समझा जा सकता है क्योंकि त्रिकोणीय यहाँ पर जो है चुनाव का समय समझा जा रहा है, क्योंकि सपा गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक और भाजपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी जो है संजय मालियान जो है दोनों के बीच चुनावी टक्कर समझी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं दोनों प्रत्याशियों के बीच यहाँ पर जो है चुनावी टक्कर है। कल 19 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह तैयारियों में है और आज पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर संजय बालियान तीसरी बार मैदान में है, क्योंकि तीसरी बार मैदान में अब की बार फिर जनता उनको कितना मतदान करती है, कितना सपोर्ट करती है, ये तो कल फैसला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी फिर मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है, क्योंकि तीसरी बार डॉक्टर संजय बालियान को यहाँ पर क्षेत्र के लोगों की जनता से कितना प्यार मिलेगा ये कल क्लियर हो जाएगा। और 19 अप्रैल को मतदान सुबह 7 बजे से 6 बजे तक होगा, जिसमें पूरी तरह प्रशासन अपनी अपनी तैयारी कर चुका है। देखिए अमित, लगातार मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र होता है, जब गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर पहुंचे थे तो उन्होंने इस दंगे का जिक्र किया था, तो इस बार के चुनावी समर में क्या मुजफ्फरनगर दंगे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल देखिए, साफ तौर से 2013 के अगर दंगों की बात की जाए तो अब की बार यहाँ पर 2013 के दंगों का कोई खासा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर की जनता समझ चुकी है, क्योंकि पहले ही दंगे के दंश को यहाँ पर मुजफ्फरनगर के हिंदू मुस्लिमों ने झेला है, तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर की जो जनता है समझदार है, 2013 के दंगों का यहाँ पर कोई खासा असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि मोदी और योगी के चेहरे पर यहाँ पर मजबूत तरीके से जो है मतदाता मतदान करेंगे, क्योंकि क्षेत्र की जनता का मूड जो है हमने जनता के बीच जाकर देखा है, तो कहीं ना कहीं फिर जो है मोदी और योगी के चेहरे पर मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर संजय बालियान हैट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन देखिए अमित, जिस तरीके से लगातार ठाकरों का प्रदर्शन देखने को मिला, जाटों की नाराजगी देखने को मिली, तो क्या इसका असर संजीव बालियान पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल की जो स्थितियां हैं? बिल्कुल देखिए, यहाँ पर ठाकुर समाज के बीच पंचायत हुई है, कहीं ना कहीं जो है बड़ी बड़ी पंचायतों का जो है माहौल देखना पड़ा है। ये यहाँ मुजफ्फरनगर की ही बात नहीं, अन्य राज्यों में भी जो है ठाकुर समाज के लोगों की नाराजगी देखने को मिली है। उसी को मनाने के लिए यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह और योगी जी के जो है दौरे हो रहे हैं, कई बार दौरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ठाकुर समाज जो है अगर कुछ वोट उनका कट भी जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ वोट मुस्लिम वोट जो है वो मुजफ्फरनगर में भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में जाएगा, तो उसका कोई खासा असर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। नाराजगी जरूर है, लेकिन उसको जो उच्च लेवल का नेतृत्व है भाजपा सरकार का, उनके द्वारा पूरी तरह मनाने का प्रयास किया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके मनाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर काम आएगा। यहाँ बीते कल भी जो है गन्ना मंत्री, जो पूर्व गन्ना मंत्री रहे हैं सुरेश राणा, वे भी ठाकुरों के बीच थे, उन्होंने पूरी तरह ठाकुर समाज के लोगों से बातचीत की है। उनका साफ साफ कहना है कि कोई खास असर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्लियर स्पष्ट है कल 19 अप्रैल को मतदान के दौरान किस तरह का वोट होगा ये तो कल क्लियर हो जाएगा। देखिए अमित, हर एक पार्टी ने हर एक समीकरण को साधकर कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 के अगर हम आंकड़ों पर गौर करें, नतीजों पर गौर करें, तो बीजेपी के प्रत्याशी को एक बड़े मार्जिन से जीत मिली थी, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है कि समीकरण बहुत बदल गए हैं। पहले जो रालोद समाजवादी पार्टी के साथ थी, अब वो रालोद बीजेपी के साथ आई है, तो क्या अगर रालोद अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ होती तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को और इंडिया अलायंस को मुजफ्फरनगर में मिल सकता था? बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल मिलता, क्योंकि रालोद जो है पहले 2019 के चुनाव में सपा के साथ थी और अब की बार जो है भाजपा के साथ है, तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर वैसे भी जाटलैंड क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर जो है जाटों का वोट बैंक का जो है बड़ा प्रभाव माना जाता है, और सीधा सीधा जो है रालोद के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वोटर है, उनका भरपूर लाभ जो है भाजपा के साथ अब की बार दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर भाजपा की जो वोट बैंक है जो डाउन होने की स्थिति थी, वो कहीं ना कहीं जो है रालोद के आने पर जो एक मजबूत स्थिति में यहाँ पर देखा जा सकता है, और रालोद का जो है यहाँ पर पूरा फायदा भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में होगा, क्योंकि रालोद के जो क्षेत्र के ग्रामीण इलाके है, किसानों की राजधानी जो है सिसोली मानी जाती है, जो की कोच टिकेत बंधु रहते हैं जहाँ पर, उनका भी जो है पूरा रुझान जो है रालोद के साथ पहले से ही देखा गया है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जो है भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान को यहां पर मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अमित इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मुजफ्फरनगर की जनता भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद
और मौजूदा प्रत्याशी संजीव बालियान जीत के हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। अब इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई संजीव बालियान जीत के हैट्रिक लगा पाते हैं या फिर इस बार इंडिया अलायंस का मैजिक मुजफ्फरनगर में चलता हुआ नजर आएगा। तो बिजनौर से शकील अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील, देखिए 2019 में बीएसपी के तरफ से मलूक नागर को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन उन्होंने बसपा से इस्तीफा दे दिया है। इसका असर इस बार कितना पड़ता हुआ नजर आ रहा है चुनावी मैदान में? देखिए, अगर बात करें बिजनौर की, तो बिजनौर में दो लोकसभा की सीटें हैं, एक नगीना लोकसभा और दूसरी बिजनौर लोकसभा। पहले दोनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा था, लेकिन आज के हालात जो है, जो कल वोटिंग होगा बिजनौर में, तो पार्टी के जो प्रत्याशी है इतने कमजोर है कि कहीं मतलब मैदान में ज्यादा नहीं खड़े उतरेंगे। और अगर मुख्य मुकाबले की बात करें तो बीजेपी आरएलडी के चंदन चौहान है, जिनका मुकाबला दीपक सैनी से होने की समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है पूरी संभावना है। नगीना लोकसभा में ओम कुमार है बीजेपी के, और चंद्रशेखर आजाद है आजाद समाज पार्टी से, और समाजवादी पार्टी के है पूर्व अपर जिला जज मनोज कुमार जी। तो वहां पर सीधी टक्कर ओम कुमार में और मनोज कुमार में देखने को मिल रही है, और आने वाला कल का समय ये बताएगा 19 अप्रैल का कि मनोज में और ओम कुमार में जीत किसकी होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, चार बार अब तक दौरा कर चुके हैं बिजनौर का, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव दो बार दौरा कर चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो कहीं ना कहीं संघर्ष काफी कड़ा है नगीना लोकसभा सीट पर भी, और बिजनौर में जो है चंदन चौहान की स्थिति आरएलडी बीजेपी गठबंधन से कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी मजबूत दिखाई दे रही पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए शकील, सबसे पहले अब नगीना पर मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए नगीना में जहां एक तरफ पहले अटकले थी कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, मजबूती से वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, तो इसका डेंट किस पार्टी को सबसे ज्यादा लग सकता है चंद्रशेखर आजाद के चुनावी मैदान में आने से? देखिए, चंद्रशेखर की एंट्री तो धमाकेदार हुई है, उन्होंने जो नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट पर एंट्री की है धमाकेदार की है, लेकिन उनके जो वोटर हैं तो वो मजबूत इसलिए नहीं माने जा रहे कि उनको पूरे यूपी के लोग चुनाव तो लड़ाने आए हैं, लेकिन वो बिजनौर के लोग नगीना लोकसभा के वोटर नहीं है, तो हाय हुल्ला तो बहुत है, लेकिन सीधी टक्कर मनोज कुमार में और बीजेपी के ओम कुमार में होने की संभावना है बिजनौर नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट पर। बिल्कुल, अब देखिए कल जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी, जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से क्या कुछ बयान दिए गए हैं, क्या अपडेट मिल पा रही है कि जिला कितना तैयार है कल वाले लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, डीएम अंकित कुमार अग्रवाल जो बिजनौर के हैं हमारी, उनसे बात हुई है, पोलिंग पार्टी रवाना कर दी गई है। एसपी नीरज कुमार जादौन का भी कहना है कि जो बॉर्डर चेकिंग की जा रही है, और किसी भी जो है असामाजिक लोगों को जो है शांति भंग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जो कोई चुनाव में कुछ गलत करेगा उसके पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, देखिए शकील, कल का चुनाव बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी, और बिजनौर और नगीना भी एक हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। ऐसे में अगर हम बिजनौर और नगीना दोनों की बात करें तो कितने मतदान केंद्र कुल बनाए गए हैं? देखिए, अब यहाँ काफी मतदान बनाए गए हैं, और जो सीआरपीएफ है सीआईएसएफ है उसका डेवलपमेंट कर दिया गया है, और अब देखना यह है जो 19 अप्रैल को कल को जो मतदान होगा वो शांतिपूर्वक मतदान रहे, और पुलिस और जो पीएससी है सीआईएसएफ वो जो है ये तैनात कर दी गई है, जहां पोलिंग स्टेशन है जहां संवेदनशील है अति संवेदनशील है वहां भारी मात्रा में पुलिस और सीआरपीएफ और सीआईएसएफ तैनात कर दी गई है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद शकील इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चुनावी माहौल एकदम टाइट हो चुका है, पहला लोकसभा का रण, और जाटलैंड की जनता अब दिखाएगी अपना दम। जी हां, क्योंकि अब सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, दमखम के साथ रैलियां की गई है, जनसभाएं की गई है, योजनाओं के बारे में बताया गया है, और घोषणा पत्र में आगामी 5 सालों के लिए किस पार्टी ने जनता से क्या कुछ खास वादा किया है, अब यह भी हर एक पार्टी के प्रत्याशी ने जनता के बीच जाकर उनको ये बात बता दी है। लेकिन अब कल जनता के हाथों में होगी हर एक प्रत्याशी की किस्मत, क्योंकि हर एक एक वोट हर एक प्रत्याशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और उसी मतदान को लेकर हर एक जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी हैं। मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, और कल अब हर एक पार्टी के प्रत्याशी की किस्मत तय हो जाएगी। अब
24 घंटे से भी कम का समय शेष रह गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से हर एक मतदान केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ईवीएम की रखरखाव जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसको लेकर भी जिले में सैनिकों की तैनाती की गई है। पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। अब यूपी की 8 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि ये वो 8 सीटें हैं जहां पर हर एक पार्टी की अग्नि परीक्षा होगी। बीजेपी इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अग्नि परीक्षा होगी, तो वही बसपा जो कि अकेले इस बार अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरी है, उसकी भी अग्नि परीक्षा इस चरण में होनी है। लेकिन अब जनता के हाथों में हर एक प्रत्याशी की किस्मत का फैसला होगा। प्राइम टीवी भी सभी दर्शकों से यही अपील करेगा कि वो अपने घरों से निकले, मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका हर एक वोट देश का आने वाला भविष्य तय करेगा। फिलहाल खबर दोपहर में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा, रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है, मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का।